मेरा गांव मेरा देश देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हवा सिंह चहल संपादक आपका संदेश, कैमरामैन जसवीर सिंह के साथ। 4 और 5 तारीख को आदर्श जाट महासभा का अंतर्राष्ट्रीय जो सेमिनार रखा गया था प्रीत मंच नोएडा NCR के अंदर, उसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिला। और यहाँ पर सभी जाट समुदाय के जो भी मैं कहता हूँ करीम और उनमें ब्रिगेडियर रैंक तक के, और सभी कई जाट खापों के भी और कई जाट संगठनों के नेताओं ने भाग लिया, और उसमें कई तरह के प्रतिनिधि जो भी सामाजिक संस्थाओं जुड़े हुए थे उन्होंने इसमें शिरकत की और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया, जिसमें कुछ सामाजिक बातें थी। और खास बात यह रही कि डॉक्टर पवनजीत बनवाला जो आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बात विशेष तौर पर कही कि जितने भी पिछले दिनों जाट आंदोलन के दौरान जो बच्चे जो लड़के जेलों के अंदर अभी तक बंद है और उनकी कोई सुध नहीं ली गई है, तो यहां विचार किया गया इस सेमिनार में कि उन बच्चों को जेलों से छुड़वाने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जाएंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, या फिर किसी भी तरह से मतलब कानूनी रूप से भी अगर उनकी परवी की जाएगी और उनको बाहर निकालने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। इसके साथ अन्य काफी मसलों पर यह विचार किया गया और मैं आपको इसी के बारे में पूरी डिटेल से अवगत करवाना चाहता हूं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बातें हुई वो अभी सामने प्रस्तुत हैं। आदर्श जाट महासभा द्वारा जैसा कि हर वर्ष 4 दिवसीय 5 दिवसीय संस्कार शिविर 4 दिवसीय चिंतन शिविर होते रहे हैं, उसी कड़ी में आज दिल्ली NCR में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जाट चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस चिंतन शिविर में अलग अलग सत्रों में समाज की अलग अलग समस्याओं पर विचार किया गया और ये सफलतापूर्वक ये शिविर आज समाप्त हुआ, इसके लिए सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद किया गया। एक सबसे बड़ी बात ये रही कि अब की बार आदर्श जाट महासभा ने इस शिविर में फैसला लिया कि जेल में जो भी जाट आंदोलन के दौरान बंद बच्चे हैं, उन्हें किसी भी तरह से हर स्तर पर प्रयास करके, चाहे राजनीतिक प्रयास करने हो, चाहे सामाजिक प्रयास करने हो, चाहे लीगली प्रयास करने हो, हम किसी भी जाट आंदोलनकारी को जेल में नहीं रहने देंगे और जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन सभी मुकदमों को वापस करवाने का काम करेंगे। हरियाणा में कोई भी बच्चा अपने आप को अकेला ना समझे और जो जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान पीड़ित बच्चे हैं वो आदर्श जाट महासभा से संपर्क कर सकते हैं। आज एक बच्चा हमारे बीच में है, उससे भी उसके बारे में भी जो भाई उससे नंबर लेना चाहता है वो नंबर ले, उसका जो डिटेल लेना चाहता है डिटेल ले, और आदर्श जाट महासभा भी अपने स्तर पर प्रयास करेगी। इसके अलावा आदर्श जाट महासभा ने यह भी फैसला लिया है कि जिस तरह हमारे समाज में मृत्यु भोज व अन्य कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां, उन सबको दूर करने के लिए एक अभियान चलाने का काम करेंगे। एक और महत्वपूर्ण फैसला ये भी हुआ है कि हमारा एक कार्यक्रम मेवाड़ की धरती पर किया जाएगा। मेवाड़ के कुछ नौजवानों ने हमसे संपर्क किया है, उन नौजवानों को साथ लेकर मेवाड़ की धरती पर एक कार्यक्रम किया जाएगा और जो सामाजिक कुरीतियां हमें मेवाड़ की जानकारी फीडबैक मिल रहा है उसको दूर करने के लिए मेवाड़ में एक अभियान चलाएंगे। उसके अलावा अब आदर्श जाट महासभा की 14 प्रांतों में जो इकाइयां हैं उनका भी विस्तार करने का काम करेंगे। संगठन के फेरबदल का भी हुआ, शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी हुआ और राजस्थान की जिम्मेवारी शिवकरण जानू जी को कार्यवाहक के रूप में मिली और रविंदर पोटलिया जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, तो कई नियुक्तियां भी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति जो भूतपूर्व सैनिक सेल में ब्रिगेडियर यशपाल सहरावत के रूप में हुई है, इस तरह की नियुक्तियां और इस तरह जमीन से जुड़े लोग आज आदर्श जाट महासभा की सदस्यता ग्रहण जो की एक दो दिवसीय शिविर में, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने समाज के लिए जो चिंतन किया, मनन किया और जो टीमें बनी वो टीमें धरातल पर आशा के रूप कार्य करेंगी, ये सभी आशाएं और कामनाएं आदर्श जाट महासभा की है। आदर्श जाट महासभा कोई संगठन नहीं, एक विचारधारा है, जाट समाज को एकजुट करने के लिए एक संकल्प है और इसी संकल्प को लेकर, इसी विचारधारा को लेकर संगठन को सर्वोपरि मानते हुए, संगठन की विचारधारा को सर्वोपरि मानते हुए, संगठन के नियम और संविधान को सर्वोपरि मानते हुए
जाट कौम को आगे बढ़ाने के लिए हम हर संभव कार्य करेंगे। ये फैसला इस चिंतन शिविर में हुआ। इस चिंतन शिविर में महिला मातृशक्ति की बहुत बड़ी भागीदारी रही, युवाओं ने बड़ी भागीदारी की। इसके लिए ये समाज को एक दिशा और दशा देता हुआ जो ये सफलतापूर्वक आगाज इस चिंतन शिविर का हुआ था और उसी सफलता के साथ ये संपन्न हुआ, ये एक जाट समाज को दशा और दिशा देने का काम करेगा। आदर्श जाट महासभा हर गरीब जाट तक पहुंचेगी, हर ग्रामीण जाट तक पहुंचेगी, अपनी ग्रामीण संस्कृति को, सभ्यता को, परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये संकल्प लेकर आज हम जा रहे हैं और जल्द ही धरातल पर हम सबको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसी आशा और कामना के साथ इस शिविर की समाप्ति हुई है और सफलतापूर्वक आयोजन के लिए समस्त जाट समाज को बहुत बहुत बधाइयां। अगला कार्यक्रम होगा काम के, अगला कार्यक्रम जोधपुर में तय किया गया है, जोधपुर राजस्थान में तय किया गया है। डेट और समय आगामी दिनों में बता दिए जाएंगे और अगले कार्यक्रम से पहले समाज में काम करके उस कार्य जो काम किया है उस काम की रिपोर्ट अगले कार्यक्रम में रखी जाएगी और उसकी समीक्षा की जाएगी। हमारी जवाबदेही समाज के प्रति बनती है तो समाज के प्रति जवाबदेही को तय करते हुए उस कार्यक्रम में जो टीमें और जो काम सौंपा गया है ये सभी उस कार्यक्रम में रिपोर्ट करेंगी और जल्द ही जोधपुर में हमारा परिवार फिर इकट्ठा हुआ। जो पीछे पानीपत फिल्म आई राजा सूरज मंदिर के ऊपर पहले जयपुर में रीटी चौराहा था उसका भी नाम बदल रहा, लेकिन आदर्श जाट महासभा ने अहम भूमिका निभाई, उस पर आपका कोई विचार क्या? देखो वीटी चौराहे के नाम की जहां तक बात थी तो मैंने घोषणा की थी कि मैं वहां पर मृत्यु को ग्रहण कर दूंगा लेकिन वीर तेजा जी का नाम नहीं बदलने दूंगा। इसके लिए आदर्श जाट महासभा के सभी पदाधिकारियों ने मेरा बढ़ चढ़ कर भाग दिया और जिस तरह से आगाज सीधा मैंने गहलोत सरकार को बोला था कि गहलोत सरकार पवनजीत बनवारा की लाश से गुजरकर हमारे वीर तेजा जी का नाम बदल सकती है, हम बदलने नहीं देंगे। पूरे समाज के हर संगठन ने, हर नौजवान ने, चाहे वो छात्र हो चाहे किसी भी संगठन से जाट जुड़ा हो, सब ने उस मुहिम में मेरा साथ दिया, उसके लिए समाज का धन्यवाद। उसके लिए आदर्श जाट महासभा को श्रेय देना उचित मैं नहीं समझूंगा क्योंकि वीर तेजा जी के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी है, हमारे परमेश्वर है वो। आदर्श जाट महासभा का जो भी कार्यक्रम शुरू होता है वो वीर तेजा वंदना के साथ ही शुरू होता है। कल भी हमने वीर तेजा जी को याद करते हुए इस कार्यक्रम को शुरू किया था और आज वीर तेजा जी को नमन करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा की है। तो वीर तेजा जी के साथ तो हमारी भावनाएं जुड़ी थी और ये पूरे जाट समाज बधाई का पात्र है कि वीर तेजा जी का नाम अगले दिन ही राजस्थान सरकार को झुकना पड़ा और लिखकर देना पड़ा कि वीर तेजा जी के नाम के जो रोड है वो नहीं बदला जा रहा। दूसरी बात नहीं पानीपत फिल्म की, पानीपत फिल्म का विरोध करने के लिए आदर्श जाट महासभा के कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से उत्साह दिखाया, प्रदर्शन किया और मुख्य तौर पर राष्ट्रीय समाचार पत्रों में और हरियाणा में तो विशेष तौर पर न्यूज चैनलों में कहा कि चौधरियों का ऐलान नहीं चलने देंगे पानीपत फिल्म और पानीपत फिल्म पर बैन लगाने में आदर्श जाट महासभा का एक महत्वपूर्ण योगदान साबित हुआ। ये आदर्श जाट महासभा कोई एहसान की बात नहीं कर रही, ये उसका काम है, समाज के लिए काम करना आदर्श जाट महासभा के हर कार्यकर्ता का दायित्व और उसका जुनून और उत्साह है, हमारे खून में जाट कौम के प्रति कार्य करने की लगन है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम आगे भी समाज का कोई भी मुद्दा होगा आदर्श जाट महासभा रचनात्मक भूमिका में समाज में काम करेगी। दूसरी बात जो प्रीत मंच के कार्यकर्ताओं ने नोएडा में हमारा सहयोग देने का काम किया, मैं प्रीत मंच नोएडा के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करूंगा कि इतना सुंदर और सफलतापूर्वक आयोजन में उन्होंने भी हमारा साथ दिया। जिस भी साथी के दिल में अपनी कौम के प्रति पीड़ा थी उसने अपने विचार यहाँ पर आकर रखे, हर राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक मतभेद को भुलाकर हमने एकजुट होकर जो ये संदेश समाज में दिया ये संदेश नौजवानों को दिशा देने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और संकल्प भी। धन्यवाद नोएडा में आज ये बहुत ही सुंदर और खूबसूरत प्रोग्राम आदर्श जाट महासभा चिंतन शिविर के नाम से किया गया जिसमें बहुत ही महानुभाव और जाट समाज की मैं कहूँगा करीम उन्होंने यहाँ शिरकत की और इसके लिए मैं सबसे पहले तो प्रीत मंच से नोएडा के जो पदाधिकारी हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ हम सबको इकट्ठे होने का एक अवसर दिया। उसके बाद हमारे जितने भी राष्ट्रीय आदर्श जाट महासभा के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने शिरकत की और यहाँ लोगों को अपने अपने विचार और जाट समाज के बारे में जितनी कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए और भविष्य में
बच्चों का भविष्य कैसे बढ़े, किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है, इस बारे में बहुत सी बातें बताई। तो हमारे साथ है अभी डॉक्टर कौनजीत बनवाला है, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से देश गाथा और आपका संदेश की तरफ से है। मैं आपका संदेश समाचार पत्र और आपका संदेश यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हेलो बनवाला साहब, आपका संदेश से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।